चिरले टोल नाका पर स्थानीय भूमिपुत्र तथा स्थानिक प्रकल्प बाधितों के व्यावसायिक वाहनों को पहले जैसे टोल माफी दी जाए, इस मांग को लेकर 9 जुलाई को चिरले टोल नाका पर शेखावश द्वारा मोर्चा निकाला जाने वाला था, पर मोर्चा से हरकत में आए NH-4B प्रशासन ने मोर्चा रद्द करने की गुजारिश कर एक शिष्टमंडल को बैठक के लिए आमंत्रित किया, जिसके चलते सोमवार को जासई स्थित समाज मंदिर में एक बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक के लिए माननीय विवेक पाटिल, NH-4B प्रशासन के अधिकारी श्री फेफाड़े, पंचायत समिति के पूर्व सभापति नरेश घरत, वरिष्ठ कार्यकर्ता काका पाटिल, रायगढ़ श्रमिक एकता संगठन के सचिव रवि घरत, पूर्व सरपंच संतोष घरत, गणेश पाटिल, मेघनाथ महात्रे आदि गणमान्य सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर माननीय विवेक पाटिल ने स्थानिक एवं स्थानीय प्रकल्प बाधितों के व्यावसायिक वाहनों को टोल से सहूलियत दी जाए अथवा हम उग्र आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसी चेतावनी इस दौरान माननीय विवेक पाटिल ने दी। अजिबात नहीं कुणाला पण ठेकाजा कुणालाही विचारा, तो तुमची काय प्रोसिजर योग्य असली अयोग्य असली तरी त्याच्याबद्दल आमची तक्रार नाही। आमची मर्यादित तक्रार की आतापर्यंत जी आम्हाला सवलत मिळत होती ती आता सवलत चालू राहिली पाहिजे, बाकी आमचं काय म्हणणं नाही। आम्ही बोलतो का तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने ठेका दिला, आम्ही म्हणतो का तुम्ही गलत माणसाला ठेका दिला, नाही बोलत आम्ही, आम्हाला त्याची घेणं झालं नाही। कुणाला ठेका द्या कुणाला पण काय करा, आम्हाला फक्त आम्हाला जे आजपर्यंत सवलत आहे ते आम्हाला मिळाली पाहिजे एवढी म्हणजे साधा आणि सोपी मागणी आहे। मागचं चालू होतं ते आता चालू राहिलं पाहिजे एवढं, बाकी काय म्हणून आहे। तुम्ही पण सरकारी अधिकाऱ्यांना विचारलं पाहिजे ना, सात ठेके जर होऊन गेले ते जर स्थानिकांना सवलती देत देत होते तू का देत नाही, तुम्ही पण विचारलं पाहिजे ना सरकारी अधिकारी म्हणून। त्या सरकारी अधिकारी मान बसू आंदोलनाला आहे मग चर्चेला येऊ नका तुम्ही सरकारी अधिकारी म्हणून, बघू आमचं आम्ही काय असं। जिसके बाद NH-4B प्रशासन के कार्यकारी अभियंता श्री फेगड़े ने वरिष्ठों के साथ बैठक कर 16 जुलाई तक फैसला सुनाने की बात कही। हालांकि अगर 16 जुलाई को प्रकल्प बाधितों के हित में फैसला नहीं आया तो NH-4B के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ते हुए टोल बंद का आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी इस दौरान माननीय विवेक पाटिल ने दी।